हाय डियर माय फ्रेंड्स, देखो एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ा सा मार्केट का व्यू स्ट्रक्चर क्या है, यूएसडी आईएनआर के बारे में देख रहा हो। तो यूएसडी आईएनआर क्या है, देखो फिलहाल तो अगर मैं देखेंगे इस तरह से, यहाँ से बार बार आया फिर यहाँ से नीचे, मतलब अभी क्या है ना, कहीं इस रेंज का अंदर फंसा हुआ है। राइट, अभी आगे क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर करेक्शन ऊपर जाएगा, मतलब यही काम है इसका। अगर हम क्या आ गया है, ओहो एडीबी फोटोशिप का होगा शायद, किसका फोटो यार, तो ये क्या है, यूएसडी डॉलर इंडेक्स है। अभी हम आईएनआर का देखेंगे, आईएनआर में क्या हो रहा है। राइट, अभी फिलहाल का कंडीशन क्या है आईएनआर में, आईएनआर में क्या है, देखो यहाँ से इधर आया टॉसिस, यार इतना एंटीवायरस में क्यों परेशानी कर रहा है। देखो अभी क्या है, यहाँ से नीचे आ रहा है फिर इधर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फिर से टास फिर से आप, मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि डाउन साइड ज़्यादातर आएगा, क्योंकि मेरा पोजीशन थोड़ा सा लॉस में चल रहा है अभी, प्लस क्योंकि मैं एक बार यहाँ से लिया फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट भी दिखा रहा है फिर लॉस दिखा रहा है फिर प्रॉफिट, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ड्रॉप डाउन हो रहा है पोजीशन। तो यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन भी नहीं आ रहा फिलहाल, तो मैं आउट ऑफ कंट्री में है फिलहाल, अभी सर्वर का बहुत इश्यू रहता है, कई कई जगह में 4G भी नहीं मिलता, 4G मिलता है इस कंट्री में, तो 5G नहीं है फिर भी 4G मिल रहा है अभी, वो अच्छा से नहीं मिल रहा है। तो वाईफाई चाहते अच्छा मिलता है, वाईफाई तो हर किधर भी सेम ही रहता, और स्प्रीड वगैरह, मगर ये मोबाइल में जब भी कोई नेट कनेक्ट करता हो तो अभी मुश्किल हो जाता है। कई कई बार इंजल का एप्स भी ओपन नहीं होता है, अलग अलग मतलब एप्स भी है तो वो भी ओपन नहीं होता है, क्योंकि रुकना पड़ता है, मतलब मुश्किल का काम करना पड़ता है, नहीं तो कोई ट्रेड हो रहा है यार, पोजीशन काट भी नहीं रहा, क्योंकि ओवरऑल पीरियड में क्या लॉस दिखा रहा है, कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है फिर लॉस दिखा रहा है प्रॉफिट, इस तरह से हो रहा है। तो अभी क्या सीनरी से ऑप्शन सेलिंग करना बेटर रहेगा, ठीक है, नहीं तो ऊपर जाएगा तो नहीं तो नीचे, भी इसमें फंसा हुआ है। तो इसीलिए यूएसडी आईएनआर में अभी भी क्या है, दोनों साइड से सेल करके आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ा दूर का पोजीशन बाय भी कर लेना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल का बात करेंगे, क्रूड ऑयल्स ठीक है, और सब बॉन्ड्स वगैरह देख लेंगे, तो गोल्ड का क्या हाल है, राइट, एमसीएक्स इंडेक्स का जाएंगे तो नहीं देंगे, अभी गोल्ड वगैरह तो देख सकता है सब समय। तो हमने क्या करेंगे, ये 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, और ये गवर्नमेंट्स यूएस का है, ये बीटीसी है, और यूएसडी ये नहीं देखने का है। अभी इसका अंदर जेबीपीएन तो अभी नहीं करता मैं, उसको देखेंगे भी नहीं क्योंकि अभी तो ज़्यादा नहीं, अगर हमारा बैंकिंग सेक्टर के हाई एक सपोर्ट लिया फिर से नीचे आ सकता है, और अगर बैंक नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा यूएसडी आईएनआर। अभी आगे जाके इलेक्शन भी है तो थोड़ा सा ध्यान दे के ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एमसीएक्स इंडेक्स है, ये क्रांसिस क्लोज करेंगे, और बीएससी को भी क्लोज कर देंगे। देर इज द क्रूड ऑयल, राइट, क्रूड ऑयल्स गोल्ड सिल्वर जिंक्स एलमोनियम, तो बहुत सारे चीज़ है। अभी इसमें हम लोग क्या है, गोल्ड में ध्यान देंगे, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर कहीं ना कहीं घटेगा, दिस द क्रूड ऑयल भी, मतलब एक तरह से मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता डॉलर ज़्यादा ऊपर जा पाएगा और यूएसडी आईएनआर भी ज़्यादा नीचे जा पाएगा, तो यहाँ पे पोजीशन सोच समझ के बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा दिन अपडेट नहीं कर रहा हूँ इसीलिए मैं, क्योंकि अपना देश में है नहीं मैं अभी फ़िलहाल, तो अभी टूरिस्ट में है तो इसी के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को क्लोज करना बेटर पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल नेट है, स्प्रीड है, वाईफाई है,
तो अच्छा सा चला सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं इशू होता है, तो ओवरऑल पोजीशन थोड़ा स्लॉट से रहा है, मगर इस टाइम में आपको बाय एंड सेल करके चलना, दोनों साइड के पोजीशन सेलिंग करके चलना, ऑप्शन में यूएसडी एनआरआई और बैंक निफ्टी वाला क्या है, मैं एक बार बैंक निफ्टी में भागता हूँ, निफ्टी फिफ्टी जिसमें हमको बैंक निफ्टी वाला भी ज़्यादातर रहता, राइट। डॉलर जाएंगे, ये बीएससी इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे अभी इसको थोड़ा सा डे छोड़ के हम ना डेली के एंड फ्रेम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डे में ज़्यादातर काम नहीं होने वाला है, हमको देखना पड़ेगा आवर्ली टाइम फ्रेम में। तो आवर्ली टाइम फ्रेम में कुछ लेवल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह से अभी सपोज लेवल यहाँ पे काम नहीं करेगा, जिस तरह से ड्रॉ लेवल किस तरह से ड्रॉ करा जाता है अभी अभी सीखा दे देंगे थोड़ा सा। हाँ तो हाँ, तो क्या है देखो अभी थोड़ा सा लेवल ड्रॉ भी हम कर देते हैं, तो किस तरह से लेवल ड्रॉ करा जाता है, राइट। किधर है ये सब, यहाँ पे नहीं, माउस इन स्ट्रॉ लॉन्ग बिल्डअप ये वाला, क्या है यार अभी बहुत दिन नहीं देख रहा हूँ, सिस्टम भी ऑन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि का नेटवर्क का बहुत सारा इशू है, सिस्टम क्या करेंगे, वो बैग में ही पड़ा रहता, तो इसीलिए इसमें जाके देखेंगे क्या हो रहा है। ये है तो कहीं ना कहीं देखो अभी क्या करना है, रेट ये देखो, यहाँ से मार्केट, जहाँ जहाँ से मार्केट, बस हो गया, ये भी ठीक है चलेगा। बस अभी क्या है, ये सीशन में जो भी, अभी दो ही लेवल ज़्यादातर नहीं लेंगे, दो ही लेवल लेंगे, अगर हम इसको छोटा टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहाँ पे कुछ और देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो छोटा टाइम फ्रेम में क्या देखते हैं, जब भी यहाँ पे ये ज़्यादातर ग्रीन बनाया, राइट, अभी ये ग्रीन है तो हमने इसको थोड़ा सा ग्रीन बना देंगे, जैसे अभी यहाँ से मार्केट क्या कर, जब भी टेस्ट किया, राइट, अभी इस तरह से काम करना, जब भी ये टेस्ट किया तो हम उनको क्या करना, कभी भी यहाँ पे बाय एंड सेल, ये बाइंग लेवल है या सेलिंग लेवल है, जो मतलब यहाँ से बार बार जब भी आप आवर्ली टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा करेंगे तो बार बार इधर से कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए दिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इसीलिए हम यहाँ पे ब्रेकआउट देखा जाता है, ठीक है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तब जो थोड़ा सा क्या है यहाँ पे अलग दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में खुला है ऊपर, और यहाँ पे कोई बाई वगैरह हम नहीं कर सकते क्योंकि ये साइडवेज था, ये एक सेलिंग मिला था यहाँ पे, ये लोअर लो फॉर्मेशंस ऊपर स्टॉप लॉस, तो ये एक सेलिंग मिला हमको, बाइंग और नहीं मिला, तो सेलिंग में कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रॉफिट मिला यहाँ तक, तो उसको दौर मतलब इस तरह से काम होता है। आपको लेवल समझ में आ गया कैसा ड्रॉ करना जाता है, चाहिए कौन सा भी, ये बैंक निफ्टी में। तो और कुछ इम्पोर्टेंट तो अभी वीडियो यहाँ पे क्लोज करना चाहता हूँ, थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।